Good evening, dear brothers and sisters, and welcome to the Bible study hour of the LifeSpring Assembly of God. और आप सभी भाई बहनों को शुभ रात्रि और आज की शाम मैं आपका स्वागत करता हूं इस बाइबल अध्ययन के समय में. I am Pastor Mathai and translating for me is Pastor Mahendra. और मैं मेरा नाम पास्टर मथाई है और जो मैं आपका अनुवाद करूंगा मेरा नाम पास्टर महेंद्र. Remember we are studying the book of Corinthians, First Corinthians, letter Paul wrote to correct all the mistakes and problems that was going on in Corinthian church. और याद रखिए हम अध्ययन कर रहे हैं पहली कुरिन्थियों की पत्री के विषय में जहां पर कुरिन्थ की कलीसिया में मौजूद उन समस्याओं को लेकर पौलुस एक पत्री को लिखता है. It is very relevant for us today. और ये पत्री हमारे लिए भी आज के दिन बड़ी कारगर है. Because we know that these are the same problems that we too face in our modern times in our churches. क्योंकि हम जानते हैं कि ये वही समस्याएं हैं जिन्हें इन आधुनिक समयों में हम भी अपनी कलीसियाओं में इनका सामना करते हैं. So I hope and I wish that more and more believers and church leaders, pastors would listen to these studies. और मैं आशा करता हूँ, ये विश्वास करता हूँ कि और ज़्यादा कलीसियाओं के विश्वासी और पाजवान इस अध्ययन का भाग बने. The one way you can help is to inform your friends, believers and also pastors to listen to this. और एक और तरीका जिसके द्वारा आप मदद कर सकते हैं वो है अपने विश्वासी भाई बहन अपने मित्रों को इस विषय में सूचना देने के द्वारा. Well, we closed in our last study by mentioning the reason for observing the Lord's Supper. और हमने अपने पिछले अध्ययन को समाप्त किया या रोका प्रभु भोज को क्यों हम करते हैं उन कारणों को बताते हुए. And we found the main reason is this is a proclamation to proclaim. हमने देखा किस प्रकार से प्रभु भोज का मुख्य कारण है उसे करने का मुख्य कारण है एक घोषणा करना. It means to preach and to declare. इसका मतलब है प्रचार करना और घोषणा करना. Or to announce. या उसके आने की बात को कहना. The Lord's Supper is a demonstrated sermon. और ये जो प्रभु भोज है ये दिखने वाला एक प्रचार है. It proclaims. और वो घोषणा करता है. What do we proclaim? और हम किस बात की घोषणा करते हैं? The Lord's death. प्रभु की मृत्यु की. Till when? कब तक? Until Jesus returns. जब तक यीशु मसीह का आगमन ना हो जाए. Remember, Christ died for us. याद रखिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया. And then he rose again. और वो फिर से मरे हुओं में से जी उठा. And all according to the prophecies in God's word. और सारी बातें परमेश्वर के वचन में मौजूद उन भविष्यवाणी अनुसार हुई. That we may be eternally with him. ताकि हम live and reign. ताकि हम अनंत तक उसके संग रहें, जीवित रहें और राज्य करें. Now, his death is a picture of our past, present, and future redemption. और उसकी मृत्यु हमारे भूतकाल, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य में हमारे दृश्य को दर्शाती है कि कैसे हमें पापों से छुड़ाया गया, हम मरे हुए थे और फिर से हम जी उठे और हमारा पुनरुत्थान होगा. And we shall be conformed to his perfect image. और हम उसके सदृश्य बनते चले जाएंगे. That's where we stopped last study. और पिछले हमने अपने अध्ययन को वहीं समाप्त किया था. And let us continue. और आइए हम आगे बढ़ेंगे. And let us read verses 27 to 30. और आइए हम 27वें वचन से लेकर के 30वें वचन तक पढ़ेंगे. Pastor Mahendr will read. पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 27वें वचन से लेकर 30वें वचन तक. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे से पिए. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है. इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं. यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी तारना करता है.
इसलिए कि हम इस संसार के साथ दोषी ना ठहरें। आमेन। Here in these verses, Apostle Paul is talking about the judgment for the abuse of the Lord's Supper. और वचन के इस भाग में पौलुस बात करता है परमेश्वर के न्याय या दंड की जो उन पर आएगा जो अनुचित रीति से प्रभु भेज में सहभागिता करेंगे। The severe consequences and chastisement for partaking of the Lord's Supper unworthily. और वो कठोर ताड़नाएं और दंड जो उनके ऊपर गिरेगा जो प्रभु भोज में अनुचित रीति से सहभागिता करेंगे। Paul is talking, speaking directly to the Corinthian believers. और पौलुस सीधे रूप से कुरिन्थ के विश्वासियों से बात करता है। So we safely conclude that whatever their sins were, bound to be what Paul means by unworthily. और इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि उनके जिन पापों से वो बंधे हुए या बंधुई जीवन में जी रहे थे वो उनके संग इस भोज में अनुचित रीति से भाग नहीं ले सके। There are several sins Paul found the Corinthian believers were guilty of. और पौलुस प्रेरित ने देखा कि कुरिन्थ के विश्वासी कई सारे पापों को करे हुए या उसमें फंसे हुए हैं। Let us name some of them. और आइए हम उनमें से कुछ का नाम बताएंगे। There was a spirit of division. वहाँ पर विभाजन की आत्मा थी। And a spirit of heresy. और वहाँ पर झूठी शिक्षाओं की आत्मा थी। And a spirit of self deception. और वहाँ पर खुद को धोखा देना का आत्मा था। And a spirit of selfishness and self indulgence. और वहाँ पर आत्मा था स्वार्थीपन का या खुद को गलत बातों में देने के लिए। And there was also a spirit of drunkenness. और वहाँ पर पीने या मतवाले होने की आत्मा थी। And a spirit of neglecting the poor. और वहाँ पर गरीबों का तिरस्कार करने का आत्मा था। And a spirit of irreverence and carelessness. और वहाँ पर असावधानी और परमेश्वर का भय ना मानने का भी आत्मा मौजूद था। And carelessness and irreverence in what? और ये असावधानी और अपवित्रता या भय ना मानना किस विषय में? In protecting the sanctity of the church. और वो इस विषय में कि वो कलीसिया की शुद्धता को बनाए रखें या बचाए रखें। My brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों। Those of you who are members of us, some church. आप में से वे जो कुछ कलीसियाओं के सदस्य हैं। Please let me urge you. मैं आपसे विनती आपसे निवेदन करता हूँ। To be serious. And very thoughtful about the sanctity of the Lord's Supper. कि आप गंभीर हो जाएं और ये प्रभु मेज की शुद्धता और पवित्रता को समझें और जानें। We are proclaiming His death on the cross and the agony and the pain and the sufferings He went through in shedding His blood to cleanse us and deliver us from the power of sin. और हम याद करते हैं उसकी मृत्यु को जो उसने क्रूस पर अपनी जान को बलिदान कर दिया हमारे लिए, हमें पापों से शुद्ध करने के लिए, हमें श्रापों से, रोगों से और हर एक दुष्टता की बात से आजाद करने के लिए। So, unthoughtfulness और इसलिए बिना विचार किए and carelessness और असावधानी के साथ In approaching the Lord's Supper has a severe consequence. जब हम प्रभु मेज के निकट आते हैं, तो उसका परिणाम बड़ा गंभीर होगा। Simply puts it, और साधारण रीति से इस प्रकार कह सकते हैं। When with sin in one's life और and heart, और एक व्यक्ति अपने हृदय और जीवन में पाप लिए, if one partake of the Lord's Supper with them. और अगर ऐसी बातों को लिए हुए एक प्रभु भोज में सहभागिता करता है, It is considered to be unworthy. तब ये अनुचित जाना जाता है। Let me repeat it one more time. मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराऊंगा। When you read this passage, you may ask, what it means unworthily? जब आप इस वचन के भाग को पढ़ते हैं, तो हो सकता है आप इस सवाल को पूछे कि अनुचित रीति क्या है? कैसे मैं अनुचित रीति में भाग? In simple terms, साधारण शब्दों में, when with sin in one's life, जब एक के जीवन में पाप होता है, and sin in
one's heart. और एक के हृदय में पाप होता है. With that sin, if one partake of the Lord's supper. जब एक पाप के साथ उस प्रभु भोज में सहभागिता करता है. It is considered to be unworthily. तब इस बात को हम अनुचित जानते हैं. That is why Apostle Paul gave us occasion just before we partake of. To examine ourselves. और इसीलिए पौलुस प्रेरित वचन के उस भाग को इससे पहले लिखता है कि इससे पहले कि हम प्रभु भोज में सहभागिता करें, हम खुद को जांचें और परखें. And see there is no sin in our life or in our heart. और इस बात को सुनिश्चित करें ये देखते हुए कि हमारे जीवन और हमारे हृदय में कोई भी पाप नहीं. But remember. लेकिन याद रखिए. According to the New Testament. नए नियम अनुसार. The very thought of doing a sin कि पाप करने का एक विचार ही will make you and me sinners. वो आपको और मुझे पापी बना देगा. Jesus made it very. और यीशु ने इस बात को बड़ा स्पष्ट रीति से बताया. Adultery is a grave sin. और व्यभिचार एक बड़ा पाप है. According to the new Old Testament. पुराने नियम अनुसार. If you are caught in the act of adultery, कि अगर आप व्यभिचार के कार्य को करते हुए पकड़ लिए जाएं, then you are entitled to that punishment. तब आपको वो दंड भी दिया जाएगा. It is stoned to death. और वो है पथराव के द्वारा मृत्यु. So you are considered to be an adulterer only if you are caught. और आपको व्यभिचारी तभी माना जाएगा जब आपको पकड़ लिया जाए. But how about the New Testament teaching? लेकिन नए नियम की शिक्षाओं के विषय में क्या कहें? It is Jesus's teaching. और ये यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं. Even if a man or a woman look at the opposite sex with an evil eye. और यहाँ तक कि कोई भी पुरुष या महिला दूसरे व्यक्ति पुरुष या स्त्री की ओर गलत नजरों से भी देख ले. Or she is considered to be an adulterer. तब वो पुरुष या वो महिला एक व्यभिचारी गिना जाएगी या गिना जाएगा. The very thought makes you an adulterer. और वो सिर्फ विचार ही आपको एक व्यभिचारी बनाता है. You have not committed any act. आपने उस कार्य को तो नहीं किया. But the thought makes you ugly and dirty in your heart. लेकिन वो विचार आपको आपके हृदयों में गंदा और बुरा ठहराता है. Your mind is already captured by the devil. क्योंकि आपका मन पहले से ही शैतान के द्वारा कब्जा कर लिया गया है. और इसलिए हमेशा याद रखिए. Keep and protect and defend the sanctity of Lord's Supper. और इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि हम प्रभु मेज की प्रभु भोज की शुद्धता उसकी पवित्रता को बनाए रखें. And then all these things mean. और इन सारी बातों का मतलब. If we eat the bread and drink the cup unworthily. कि अगर हम प्रभु भोज यानी जिस रोटी और प्याले से अनुचित रीति से भाग लेंगे with unconfessed sin in our life, और हमारे जीवनों में ऐसा पाप है जिसका अंगीकार हमने नहीं किया है, how can we be counted worthy? तब हम कैसे योग्य ठहरेंगे? Our only worthiness is Jesus Christ. हमारी सिर्फ एकमात्र योग्यता है यीशु मसीह. And if you love the Lord Jesus Christ, और अगर आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, you shall keep the sanctity of the Holy Communion. तब आप प्रभु भोज की शुद्धता और पवित्रता को बरकरार रखें। Holy Communion, it is the body and blood of Jesus Christ that we are dealing with. याद रखिए प्रभु भोज या प्रभु मेज प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू को याद करने का समय है। And the only way we can be counted worthy by Him. और एक ही तरीका जिसके द्वारा हम उसके द्वारा योग्य ठहराए जा सकते हैं is when we are walking in constant confession. वो है तब जब हम निरंतर अंगीकार के संग चलते हों. Some evil thought. कोई बुरा विचार. That looking at something very evil. या किसी और दूसरी बात की ओर हम देखते हैं जो बुरी हो. Which things will rouse within us the desire. जो हमारे भीतर किसी लालसाओं को लाता है किसी बात को इच्छाओं को करने की. That's why we need constant confession. और इसीलिए हमें निरंतर अंगीकार करते रहना है. And in constant repentance. और हमेशा निरंतर मन फिराते रहना है. And in constant praise of His mercy
and grace. और निरंतर उसके अनुग्रह और उसकी दया में बने रहना है. And in constant worship of Him. और निरंतर उसकी आराधना में करते रहना है. And thus build up an attitude within us. और उसके द्वारा अपने भीतर एक स्वभाव को बनाना है. Attitude of holy reverence. और एक ऐसा स्वभाव जो हमारे भीतर पवित्रता और भय को लेकर के आए. An attitude of holy respect and love. और एक ऐसा स्वभाव जो हमारे भीतर एक पवित्र आदर और प्रेम को लेकर के आए. Now, the passage we read reveals. जो वचन का भाग हमने पढ़ा वो प्रकट करता है. There are three consequences for partaking of the Lord's Supper unworthily. तीन ऐसे परिणाम होंगे अगर आप अनुचित रीति से प्रभु भोज में सहभागिता करेंगे. Don't forget what unworthily means. और भूलिएगा मत कि अयोग्यता क्या है. With unconfessed sin in our heart. और उसका मतलब है बिना अंगीकार किए अपने पापों को हृदय में लिए आप भोज में सहभागिता. So what are these three consequences? और ये तीन परिणाम क्या होंगे. Number one. पहला परिणाम. He becomes guilty of the Lord's death. वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का दंडी ठहरेगा. Verse 27. 27वां वचन. Guilty of sin against the Lord Himself. वो अपराधी ठहरेगा प्रभु परमेश्वर के विरुद्ध. Why? क्यों? And how? और कैसे? Because such a person insults Jesus Christ. क्योंकि ऐसा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती करता है. Such a person will offend Jesus Christ. ऐसा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ठेस पहुंचाता है. Such a person will trample the death of Christ. और ऐसा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अपने पैरों तले कुचलता है. No, tramples Christ. Trembles Christ underfoot. और ऐसा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने पैरों तले कुचलता है. And counts the death of Christ as meaningless. और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अर्थहीन जानता है. Insult the grace of Christ. और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की बेइज्जती करता है. Let us look into Hebrews chapter 10 verse 29. और आइए इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वें अध्याय और 29वें वचन की ओर हम देखें. Chapter 10 verse 29. तू सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह का आत्मा का अपमान किया है. See, the above verse says, और उसके ऊपर का वचन कहता है, verse 28, if anyone regards Moses' law, he dies without mercy. If anyone disregards Moses' law, such a person dies without mercy. Based on the testimony of two or three witnesses. जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला दो या तीन जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था. And then verse 29 says, how much worse punishment do you think one will deserve who has trampled on the Son of God? तब वो कहता है कितनी और कठोर दंड उसे मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव तले रौंदेगा. And such a person regards as profane the blood of the covenant by which he was sanctified. और ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसा करने के द्वारा वो अपने पांवों के तले परमेश्वर और उसके वाचा के लहू को रौंदेगा. And is insulting the spirit of grace. और वो अनुग्रह की आत्मा का अपमान करता है. And I pray that we shall be careful and mindful of honoring the Lord Jesus Christ with the great respect and worship of His holiness. और मेरी प्रार्थना यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने हृदय में आदर सम्मान और पवित्रता को रखने पाए.
he becomes guilty of the Lord's death. वो प्रभु की मृत्यु का दंडित ठहरेगा. Guilty of sin against the Son of God Himself. और परमेश्वर के पुत्र के विरुद्ध उसने जो पाप किया उसके लिए वो दंडित ठहरेगा. So let us save ourselves from such sin, which invites severest of punishment. होने दें हम अपने आप को ऐसे पाप से बचाएं जो ऐसे कठोर दंड को हमारे ऊपर लाता है. And honor our God. और अपने परमेश्वर का आदर करें. So that others will fear the Lord. ताकि दूसरे परमेश्वर का भय मानने पाए. And the second consequence. और जो दूसरा इसका परिणाम होगा. A person condemns himself if he does not examine himself. एक व्यक्ति अपने ऊपर दंड को लाता है अगर वो अपने आप को जांचता और परखता नहीं. The unconfessed sin must not remain there in your heart or in your life always. और वो प्रायश्चित ना अंगीकार किया हुआ या मन फिराया हुआ पाप आपके हृदय में कभी भी रहना नहीं चाहिए. Sin must be confessed. आपको अपने पाप का अंगीकार करना है. Sin must be repented of. और आपको अपने पाप से मन फिराना है. And the holiness of Christ must be held up. और प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता को ऊंचा उठाना है. And the examination must be done before he partakes of the bread and cup. और उस जांचने और परखने को आपको प्याले और रोटी को खाने से पहले देखना है. Not after that. ना कि उसके बाद. Because that will have no meaning. क्योंकि इस बात का कोई अर्थ ना होगा. Because remember, you are free of guilt only once you confess and truly repent. और याद रखिए आप दंड से बाहर और क्षमा तभी किए जाएंगे जो आप सच्चे मन से मन फिराकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगे. So before you take the bread and the cup, you make sure that you examine yourself and discover something is wrong and you confess it and repent of it. और इससे पहले कि आप प्याले और उस कटोरे को ले आप अपने मन को जांचें और परखें और अपने पापों से मन फिराकर उनके लिए क्षमा मांगे. And so, the partakers of Lord's communion. और इसलिए प्रभु भोज में सहभागिता करने वाले must make sure he has a or she has a clean heart. उसे इस बात को सुनिश्चित करना है कि उस व्यक्ति के पास एक शुद्ध और पवित्र हृदय है. And possesses a clear conscience both before God and before men. और एक शुद्ध और स्पष्ट विवेक को वो परमेश्वर और मनुष्य के प्रति रखता हूँ. And by confessing and repenting of any known sin. और अपने पापों का अंगीकार करने के द्वारा जिसको वो जानता है कि उसने किए हैं. You may be cleared of guilt. आप अपने दंड से बचा लिए जाएंगे. And the word use recognizing that recognizing the body and the blood of Christ. और जो शब्द का प्रयोग वहाँ पे किया गया है कि वो प्रभु की देह और रोटी को जाने और पहचाने. It means to discriminate. इसका मतलब है कि वो जांच कर परखें. Distinguish. और देखें. And to discern. और देखें यानी जांच परख करके देखें. A person who eats the bread and drinks the cup. एक व्यक्ति जो उस प्याले से पीता है और रोटी से खाता है. And if he does it all unworthily. और इन सारी बातों को अनुचित रीति से करता है. Such a person fails to think of the seriousness of what he is doing. तब वो व्यक्ति असफल हो जाता है उस गंभीरता को समझने के लिए जिस काम को वो करने जा रहा है. So not only we must learn to treat the Holy Communion seriously. और इसलिए ना केवल हमें प्रभु भोज को गंभीरता के संग लेना है. And when we come before the bread and the cup. लेकिन जब हम उस रोटी और प्याले के निकट आते हैं. The first thing we must remember before I take this bread and cup
It is my responsibility to see that I am free of guilt. तो पहली बात हमें सुनिश्चित करनी है कि हम अपने बात अपनी जिम्मेदारी को पहचाने कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दंड से बचा रहूं. So think seriously of what you are about to do. और इसलिए उन विषयों के विषय में गंभीर रूप से सोचे जो आप करने जा रहे हैं. And if you think very seriously the matter, you would not partake of the Lord's Supper with sin in your heart. तब अगर आप इस विषय में गंभीरता के संग सोचे और विचारे और ऐसा करते हैं, तब आप पाप को लिए अपने हृदय में इस मेज में सहभागिता नहीं करेंगे. And the third consequence. और जो तीसरा परिणाम है वो ये है. A person is disciplined and chastened by the Lord. परमेश्वर एक व्यक्ति को परमेश्वर अनुशासित और दंड देता है. Verse 30. तीसवां वचन. By faith he the walls of. Read verse 30. इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए. And because of this, Apostle Paul says, many of you get very seriously sick directly because you have dishonored Christ's sacrifice. और यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है कि इसी कारण तुम में से कई बीमार हैं और उसी बड़ी बीमारी के गंभीर बीमारी के कारण तुम में से कई सो भी गए. And many even died. और कई सो भी गए या कईयों की मृत्यु हो गई. That is a serious matter. और ये गंभीर बात है. You may ask that any in the history of people who died. क्या आप मुझसे पूछ सकते हैं इतिहास में ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई? I am sure there are numerous. मैं बड़ा इस बात को लेकर सुनिश्चित करता हूँ या मानता हूँ कि कई सारे ऐसे लोग हैं. We have seen it happening in our own congregation. हमने अपनी कलीसिया में ऐसा होते हुए देखा. So my friends, और इसलिए मेरे मित्रों, don't treat the Lord's communion, Lord's supper, very lightly. प्रभु भोज को बड़ी सरलता से आप ना ले. And the third consequence. और जो तीसरा परिणाम है. Because of this discipline and chastisement. और उसके अनुशासन और दंड देने के कारण. The abuse of the Lord's supper invites some severe discipline. परमेश्वर की प्रभु भोज का जो अनुचित रीति से सहभागिता करता है इस कारण वर्ष गंभीर अनुशासन को लाना जरूरी है. Discipline included both sickness and death. और वो गंभीर अनुशासन में था दोनों बीमारियां और मृत्यु. This fact is stated so simply and direct that it has to be taken for what it says. और इस बात को इस वास्तविकता को बड़ी सीधी और स्पष्ट रीति से पौलुस प्रेरित बताता है और इसीलिए हमें जैसा लिखा है वैसा ही इसे लेना है. Unless some people for their own advantage twist the scripture. जब तक कि कुछ लोग अपने लाभ के लिए इस वचन को बदल न डाले. Which will invite greater punishment. जो कि और बड़े दंड को उनके ऊपर लाएगा. When you misinterpret and when you twist the word of God, that will invite greater punishment. जब आप परमेश्वर के वचन का गलत अनुवाद करते हैं या परमेश्वर के वचन को बदल कर बताते हैं, ये और बड़े दंड को आपके ऊपर लाएगा. There is nothing in the scripture to suggest that weak and sickly and death are symbolic. और वचन में ऐसी कई बातें हैं या ये बात है कि बीमार निर्बल और ये सारी ऐसे लोग दर्शाते हैं कुछ बात को. Because we think bread and blood is symbolically taken to be the actual blood and flesh of Jesus Christ. क्योंकि हम देखते हैं या करते हैं कि ये रोटी और प्याले को हम भाग लेते हैं एक दिखाते हुए ये मानते हुए कि ये प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू है. But when Apostle Paul pronounced the judgment and the consequences of a sickness or death, these words are not used there as symbolic. तब याद रखिए जब पौलुस प्रेरित इसके प्रभु भोज में अनुचित रीति से भाग लेने के दंड की घोषणा करता है, मृत्यु बीमारियां, तब वो उदाहरण के रूप में नहीं बात करता.
what it says. हमें वैसा ही उसे लेना है जैसा वचन में लिखा है. So let us not fool ourselves. और आइए हम अपने आप को मूर्ख ना बनाएं. Let us consider Lord's Supper something very sacred and serious, and therefore it is to be treated seriously. और इसलिए प्रभु भोज को हम पवित्र शुद्र एक अनुष्ठान के रूप में जाने और उसे उसी शुद्धता और पवित्रता के संग हम उसमें भाग लें. So let me close by making this statement. और मैं समाप्त करूंगा ये बात कहते हुए. Three things are to be kept in mind when we consider God's discipline. और तीन बातों को हमें अपने मन में रखना है जब हम परमेश्वर के अनुशासन को लेते हैं. And we shall consider this point next Wednesday. और इस बात पर हम अपने अध्ययन को अगले बुधवार को रखेंगे. But meanwhile, लेकिन तब तक, may the Lord give you grace. परमेश्वर आप सबको अनुग्रह दे. And the power of the Holy Spirit. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा का सामर्थ्य. Now remember, He gives you only when you seek. और याद रखिए, वो आपको देता है तभी जब आप मांगते हैं. Earnestly seek His grace. और लौ लगाकर आप उसके अनुग्रह को मांगते हैं. Wholeheartedly seek. पूरे हृदय से उससे मांगते हैं. Forgiveness. क्षमा. So may the Lord bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. The discipline of God. When He disciplines us, जब वो हमें अनुशासित करता है, let us be humble, and let us be humble and yield ourselves to the discipline of the Lord. तब हम उसके अनुशासन के प्रति खुद को दीन करें और उस अनुशासन को लें. And so may the grace of God enables you. उन्होंने परमेश्वर का अनुग्रह आपको सशक्त बनाए. May the power of the Holy Spirit keep you and protect you from misusing and the Holy Communion. और परमेश्वर का अनुग्रह पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको प्रभु भोज को गलत रीति से अनुचित रीति से भाग लेने से रोके. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. I pray for each one of you. हम मैं आप में से हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ. That we as members of the body of Christ. कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के देह के सदस्य हैं. It is our responsibility. ये हमारी जिम्मेदारी है. To keep the body of Christ holy. कि हम प्रभु and sanctified. हम प्रभु यीशु मसीह की देह को पवित्र और शुद्ध रखें. Let us accept the discipline of the Lord if we need to be disciplined. और हम परमेश्वर की ओर से दिए गए अनुशासन को लें अगर हमें अनुशासित होना है. It is important. ये महत्वपूर्ण है. Because of you or me. क्योंकि आपके और मेरे कारण. Let the name of the Lord be not considered wrongly. होने दे परमेश्वर का नाम गलत रीति से ना लिया जाए. How holy our God is. कितना पवित्र हमारा परमेश्वर. And how our God does not change. और कैसे हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं. He does not make any concession when it comes to holiness. और वो पवित्रता को लेकर कभी भी किसी बात में समझौता नहीं करता. The Lord bless you as you seek the Lord. ना परमेश्वर आपको आशीष दे जैसे आप उसको निहारते हैं. And bless others by living holy life. और दूसरों को आशीषित करे पवित्र जीवनों को जीने के द्वारा. Holy Spirit of God, we thank you for your enabling power. और पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सशक्त बनाने वाले सामर्थ का. We have clearly understood today why we need to consider the Holy Communion seriously. और हमने इस बात को देखा कि कैसे हमें प्रभु मोच को गंभीरता से लेना है. And so may the Holy Spirit guide your people. होने दे पवित्र आत्मा आप अपने लोगों का मार्गदर्शन करें. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you, my dear brothers and sisters. परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे भाइयों और बहनों. And may the joy of the Lord be your strength. और परमेश्वर का आनंद आपकी शक्ति होने पाए. Amen.